ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण कराए जाने में परिक्रमा मार्ग बदलने को लेकर कई क्षेत्रों के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र को ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में सम्मिलित कराने के लिए ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शुक्रवार को सोनई क्षेत्र के ग्रामीणों ने टैंक चौराहे से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और अनशन करने के लिए जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन दिया। पैदल मार्च में ग्रामीण हाथों में परिक्रमा मार्ग को सोनई क्षेत्र से निकालने को लेकर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को 6 फरवरी से सोनई के लहचोर वन पर अनशन की जानकारी दी। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि अनशन के बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो क्रमिक अनशन आमरण अनशन में भी बदल सकता है। परिक्रमा मार्ग संघर्ष समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कौशिक ने कहा कि हर हालत में 84 कोस परिक्रमा मार्ग को सोनई होकर निकलवा कर ही रहेंगे। 6 फरवरी से क्रमिक अनशन किया जा रहा है, जो मांग न मानने पर आमरण अनशन में भी बदल सकता है। इस अवसर पर गंगाधर वर्मा, नीरज सोलंकी प्रधान, लक्ष्मण सिंह, बलवीर सिंह, सुग्रीव सिंह, मनीष कुमार रावत, अनुराग शुक्ला, हरिओम सिंह, काका बच्चू सिंह, रघुवीर सिंह, राधेश्याम प्रधान, राजवीर सिंह, विजेंद्र उपाध्याय, कुंवर पाल सिंह, नथाराम पाठक, हरिपाल सिंह आदि मौजूद रहे। हमने 84 को परिक्रमा के मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए जो हमेशा से 5000 वर्ष से भी ज्यादा समय से धरणीधरधाम बेसुआ सोनई नगोड़ा पचावर होती हुई दाऊजी के लिए जाती थी, उस सबको पूरे क्षेत्र को काट दिया गया है। उसको पूरे को इसमें सम्मिलित करने के लिए और पूरी परिक्रमा को पूरी तरह से पूर्ववत करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है और माननीय अपने जो जिलाधिकारी जी हैं उनको इसका ज्ञापन भी दिया है कि आगे हम इस तरह से कार्यक्रम करने वाले हैं। क्या मांग है कि आपने ज्ञापन में? हमने केवल एक ही मांग है, एक ही मांग और एक ही नारा, पुरानी परिक्रमा बहाल हो हमारी गाँव हमारा। तो आपके आगे की रणनीति क्या है? हम 31 तारीख में बेसमा में जो धरना हो रहा है उसमें सम्मिलित होंगे और 5 तारीख तक वहीं पर चलेगा। 6 तारीख से फिर सोने पर श्री लहचोर वन पर एक बहुत ही सुंदर पवित्र तालाब है जिसको अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। उस पर बहुत ही सुंदर स्थान है, वहां पर हम अपना धरना प्रारंभ करेंगे और वो भूख हड़ताल में भी आगे परिवर्तित हो सकता है।